तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अमेजन कंपनी जॉब इन कोलकाता। देखिए दोस्तों, अभी कोलकाता में रिक्वायरमेंट चालू है। दो कुछ लोग बोलते हैं कि अभी सर लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी 15 जुलाई तक लॉकडाउन है। देखिए दोस्तों, लॉकडाउन है लेकिन जो कंपनी आपको प्रोवाइड करा रही है, सभी कुछ प्रोवाइड करा रही है। ऑलमोस्ट आपको जो कार्ड होता है पुलिस वेरिफिकेशन कार्ड, वो आपको प्रोवाइड करा रही है। आप कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले। अगर आप घर से काम करना चाहते हो, हाउस से मतलब वहाँ तक, तो आप कर सकते हो। आपको सभी कार्ड उड कंपनी मेंशन करके देती है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा एंड जो भी डिटेल्स है आप पूरा लीजिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं और डिटेल्स। तो सबसे पहली बात, हम ये अमेजन वैकेंसीज का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आया। इसके बाद एक्सप्री बेस कंपनी का भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्री बेस कंपनी जो है उसमें भी सेम प्रोसेसर है। देखिए कोलकाता में हमें भी पता है कि आपको जो मतलब 15 जुलाई तक वहां पर लगा हुआ है लॉकडाउन और उसमें अभी वर्क चालू है। ऐसा नहीं कि काम बंद है, काम चालू है। आपको कंपनी जो है सब कुछ प्रोवाइड करा रही है। जो अमेजन कंपनी है, जो आपका एक्सप्री बेस कंपनी है, वो सभी कुछ आपको जैसे कि कार्ड बना के दे रही है, आप काम कर सकते हो। आपको पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। देखिए जहां पर मास्क एंड सैनिटाइजर अलाउ है वो आपको करना पड़ेगा खुद से मेंशन से। और दोस्तों बात की जाए, सारा डिटेल्स देंगे, जैसे कंपनी के बारे में फुल्ली डिटेल्स देंगे। देखिए एक्सप्री बेस कंपनी में भी वही सेम प्रोसेसर है, आप वीडियो देख लीजिएगा जाके, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मतलब आपको भी उसके बारे में फुल्ली डिटेल्स देंगे, लेकिन बताना जरूरी था कि आपको कंपनी की तरफ जो कंपनी है आपको आइडेंटिटी कार्ड सभी कुछ देती है, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। दोस्तों बात करते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। देखिए ये अमेजन कंपनी है, अमेजन कंपनी जॉब इन कोलकाता। देखिए इसमें रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं। क्योंकि देखिए जैसे ही आता है फुल हो जाता है, फिर कैंडिडेट जाते हैं फिर आते हैं। तो इसमें देखिए जो आपका ड्यूटी होने वाले, 9 आवर्स की शिफ्टिंग है, 9 आवर्स का शिफ्टिंग कंपलसरी है। 3 शिफ्ट होता है इसमें, एक जनरल शिफ्ट होता है, एक डे होता है, एक नाइट होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी शिफ्टिंग को चूज करते हो और कौन सी शिफ्टिंग को करना चाहते हो। तो आपका लोकेशंस होने वाला है दानकुनी, लोकेशंस में जॉब है। क्वालिफिकेशंस से आपका कोई रिक्वायरिंग नहीं, आप अनपढ़े लिखे लोग हो तो भी चल जाओगे, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशंस 8 पास मांगा गया और 8 पास क्वालिफिकेशन कोई क्वालिफिकेशंस नहीं हुआ, कुछ मैटर नहीं करता है। आप अनएजुकेटेड है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स एंड कोई क्रिएशंस नहीं होने वाले। और दोस्तों बात की जाए, एज का लिमिटेशन सेम है, जैसे एक्सप्री बेस में है वैसे इसमें भी। एज आपका 18 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 35, 36, 37 तक चल जाओगे, वहाँ आप उतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आपका बॉडी लेवल उस लेवल का होना चाहिए, नहीं तो आप 34 हो तो भी नहीं चल पाओगे, ठीक है। तो इसमें सेम डे ज्वाइनिंग प्रोसेस है, सबसे प्लस पॉइंट यही होता है, सेम डे ज्वाइनिंग। अगर आप काम करते हो तो आपको पहले दिन ही ज्वाइनिंग मिल जाए, ये सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है लोगों को। क्योंकि आप जाते हो, विजिट करते हो, कोलकाता में एक्सपेंसेस भी थोड़ा ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आपको रहने का खर्चा, फूडिंग का खर्चा, ये सब पड़ जाता है तो ज़्यादा आते हैं। लेकिन आपको जाते हो, विजिट करते हो और उसी दिन आपको काम मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती है, समझे। तो इसमें आपका क्वालिफिकेशंस वगैरह, सैलरी बात की जाए, सैलरी 9,000 रुपीज पर मंथ है, पीएफ है, ईएसआई है, रूम एडजस्टेड बाय कंपनी है, रूम का जो 500 रुपीज चार्जेस लगेगा वो आपको सैलरी से डायरेक्टली कटवाना पड़ेगा एंड फूडिंग का आपको खुद से देखना पड़ेगा, फूडिंग का कोई मेंशन इसमें नहीं किया गया। और दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद पड़ता है लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, मोटिवेट जरूर करें ताकि फाइनली हम ऐसा वीडियोज मेक करते रहे एंड बनाते रहे। ओके दोस्तों।